देखो मैं ऐसे आऊँगा, फिर मैं ऐसे रखूँगा, फिर ऐसे घुमाऊँगा, और ये सामने आना चाहिए। ये मुझे थोड़ी पता ही है, आपको पता होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। सो ये है मेरे पास iQOO Neo 6 और बेस्ट पार्ट ये है इसके अंदर मिलता है हमें Snapdragon 870। अब आप कहेंगे ऐसा क्या बेस्ट पार्ट है, ये अभी की डेट में Snapdragon का टेबल प्रोसेसर रह चुका है। ये ऐसा कुछ बॉक्स है, टिपिकल जो iQOO के बॉक्स आते हैं। अंदर है एक ट्रांसपेरेंट कवर, 80 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर है, और साथ में है ये हमारे पास टाइप ए टू टाइप सी केबल। और भाई साहब क्या हो रहा है, ये कनेक्टर। एक्चुअली कुछ ब्रांड के फ़ोन मैंने अनबॉक्स किए ना, ये सब देख के अब थोड़ा हैरानी होती, पहले आम बातें लगती थी। गुड मूव। तो 3.5mm वाला कनेक्टर है, यानी कि फ़ोन के अंदर 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। कनेक्टर ढूंढने में क्या बहुत तकलीफ होती है कई बार भाई, और गेमिंग फ़ोन है वैसे तो 3.5mm जैक होना चाहिए, बट एटलीस्ट कनेक्टर हो तो भी काम चल जाता है बढ़िया। ओके मैं फ़ोन के बारे में शेयर करता हूँ, तब तक अगर आप नए हैं चैनल पे तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिए, 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हमारे। मेरे पास है भाई 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, ये फ़ोन एक्चुअली में 8GB रैम के साथ भी आएगा। और जो प्राइसिंग है, मतलब एकदम ऑफिशियल प्राइसिंग तो नहीं पता मुझे, लेकिन जो प्राइसिंग होगी वो 30,000 के आसपास होगी। और ऑनलाइन फ़ोन है, अमेजोन वगैरह पे मिलता है, तो आपको पता है यहाँ पे कार्ड डिस्काउंट वगैरह के साथ 28,000 के आसपास प्राइस आएगा। फ़ोन को लाने का मतलब है iQOO Z6 Pro जो कि 25,000 से नीचे आता है, और iQOO 9SE जो कि 30,000 से ऊपर आता है, उन दोनों के बीच की जगह को फिल करेगा ये फोन। बाय द वे मेरे पास जो कलर है फोन का, ये है डार्क नोवा कलर। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे जितने पोर्ट्स और बटन होते हैं, जाहिर सी बात है मिलना ही है इस फोन में, वो सब कुछ दे रखा फोन के अंदर। साथ में जो बैटरी मिलती है 4700mAh की बैटरी है, 80 वोल्ट का चार्जर है, और जो फोन का वेट है वो है 190 ग्राम, और 200 ग्राम से नीचे का फोन है तो आपको भारी नहीं लगेगा। और एक और चीज शेयर करूंगा, ये जो बैक साइड है ना, ये एक्चुअली में पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक है, और जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक है, लेकिन जो बैक साइड अगर आप ध्यान से देखोगे ये मैट फिनिश के साथ आता है। बट ये फोन देखने में एक्चुअल जब रियल लाइफ में आप इसको देखेंगे, ये प्लास्टिक, सस्ते प्लास्टिक ये सब बिल्कुल भी फील नहीं कराता। इनफैक्ट कंफ्यूज भी हो सकते हो आप, ये प्लास्टिक है ग्लास, बिकॉज ऑफ फिनिशिंग। और साइड कर्वी है तो कंफर्टेबल फील होता है। ये तो इसका फिजिकल था, फिजिकल में कुछ जरूरी चीजें। फोन के अंदर हैप्टिक मोटर कैसा है, तो ये सॉलिड वाला है, मतलब बढ़िया वाला, अच्छे क्वालिटी वाला है। डुअल स्पीकर का सपोर्ट है, मैं अभी क्वालिटी चेक कराता हूँ, और सिम डुअल सिम लगेगा, मेमोरी कार्ड नहीं लगता इसमें। बेस हल्का कम है, ट्रेबल हल्का ज्यादा है, बट ओवरऑल काफी लाउड एक्सपीरियंस आता है। और इसके डिस्प्ले वगैरह पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा भाई iQOO के फोन, आपको भी पता है कि ज्यादातर मतलब गेमर्स या फिर परफॉर्मेंस को टारगेट करते हैं। वीवो का ही सब ब्रांड है, इसीलिए इसको लाया गया था, वीवो के ही सर्विस सेंटर पे इसको आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं। सो यहाँ पर मिलता है भाई Snapdragon 870 प्रोसेसर है, LPDDR4X रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज है, और Snapdragon 870 यस आज भी मतलब काफी स्टेबल प्रोसेसर है, 79% ग्राफ आ रहा है। और यहाँ पे ग्राफ से ज्यादा थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई लोग ग्राफ ये देखना जानते हैं कि हाँ भाई लाल में गया तो थ्रोटल कर गया, और लाल में नहीं गया तो थ्रोटल नहीं किया। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है, Snapdragon 720G अगर आप देखोगे उनमें भी परसेंटेज आता है 90%, 85%, ऐसे कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये जो जिप स्कोर बोलते हैं ना, मैक्स एवरेज और मिनिमम, ये 2 लाख से ऊपर के स्कोर है जो कि काफी अच्छा है। और एंड्रॉइड 12 मिलता है, फंटच ओएस 12, जहां पे कुछ ब्लोटवेयर्स यस है, टकाटक बायजू कुछ ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस पहले भी बता चुके हैं, वो सारी यहां भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें ना इसके अंदर, आप देखोगे जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और जो हार्डवेयर दे रखा, उसकी वजह से कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो क्लोज करो फोन डेफिनेटली फास्ट फील हो रहा है। और iQOO का फोन है तो भाई गेमिंग वगैरह का सेटिंग दिखा देता हूँ, उसको तो मैं और ज्यादा गेम खेल के देखूंगा, अभी मैंने थोड़ा बहुत खेल के देखा है। यहाँ पर जो iQOO के सेटिंग होता है ना, 4D वाइब्रेशन वगैरह, मॉन्स्टर मोड, नॉर्मल मोड, और यहाँ पर आपको कूलिंग चैम्बर वगैरह भी फोन के अंदर दिया जाता है। और बात करें ग्राफिक सेटिंग, वही जो मैक्सिमम मिलते हैं सारी सेटिंग पे आपको एक्सट्रीम 60fps मिलेगा। एक और चीज ऐड करना था, जो टच सेंसिटिविटी है ना इसका, 360Hz है, और गेमिंग के टाइम 1200Hz तक जा सकता है। यहाँ पर 870 के साथ आपको डेफिनेटली बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे अभी फोन ऐसे तो नहीं आया कि मैं कई काफी दिन से टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस तो होता ही है ना 870 के साथ, हमने iQOO 7 में भी गेमिंग करके देखा था। और ये 5G फोन है तो यहाँ पे 4 5G के बैंड मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है 4 से ज्यादा होता तो और बेटर था। अब बात करें इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.62 इंच की एक इन डिस्प्ले स्कैनर के साथ फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बाय द वे ये एक E4 एमोलेड है, 1300 nits पीक ब्राइटनेस है, तो इंडोर आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होती, ब्राइटनेस काफी अच्छी है, और यहाँ पर आपको HDR 10+ का भी सपोर्ट मिल जाएगा। और एमोलेड है तो कलर्स वगैरह भी अच्छे आने वाले हैं।
और डिस्प्ले प्रोटेक्शन है शॉर्ट सेंसेशन की। और अभी नंबर है भाई इसके कैमरे के बारे में बात करने का। मेगापिक्सल पे जाने से पहले ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। ये है इसका नाइट मोड जो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने फोटो क्लिक किया, ये इसका आउटपुट आता है। और रात के टाइम मैंने कुछ फोटोज क्लिक करी हुई है इस फोन से, वो फोटो सबसे पहले आप देखो। ये कुछ अलग अलग सैंपल आपके सामने। डे लाइट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है, जो पीछे से रोशनी आ रही है, यानी कि जो HDR मोड बोलते हैं ना, डायनेमिक रेंज वगैरह जो होता है, चाहे वो मेन कैमरा हो चाहे वो अल्ट्रा वाइड, जैसे ये पत्ते देखो, इन पत्तों के पीछे हल्का हल्का स्काई है वो भी दिख रहा है। कलर्स हल्का सा बूस्ट होकर आता है, लेकिन जो फोटोज आती है फोटोज में डिटेल्स है। लो लाइट में स्पेशली काफी अच्छी लाइट कैप्चर करता है। हाँ, लो लाइट में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल है, वो उतना काम नहीं आएगा। डे लाइट में अच्छी फोटो देता है। अब बात करते हैं मेगापिक्सल की। तो 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा OIS के साथ है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो, जिसपे आप ध्यान मत दो मेन और अल्ट्रा वाइड की बात करें। सो यहाँ पर 4K 60fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग आराम से मिल जाती है, प्रोसेसर कैपेबल है। इस फोन के अंदर मिलता है 4K 60fps तक का ऑप्शन। धूप में आया तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से बैलेंस कर रहा है। अभी मैंने इसका जान के लाइक EIS सिस्टम बंद कर रखा था कि OIS का अंदाजा लगे चलते हुए। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ना सन की तरफ घूम जाता हूँ थोड़ा सा। भाई घूम जाओ, ऐसे शक्ल वगैरह दिख रही है कि नहीं? मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ? पहचान में आ रहा हूँ? हाँ भाई सही है। ओके, इस तरीके से कुछ ये फोकस करता है। और अगर स्टेबल वाला ऑप्शन ऑन कर देते हैं अलग से जो मिलता है, तो कुछ इस तरीके से आपको वीडियो शूट हो जाएगी। स्टेबल करने का ऑप्शन 4K 30fps तक मिलेगा। वीडियो को रोक कैसे मैंने देखा, स्टेबल तो काफ़ी मिल रहा है 4K 30fps पे। ये भाई एकदम धूप में भी शूट हो रही है। आई होप एक इनिशियल अंदाजे के लिए काफ़ी होगा। अनटूबी ऑनर जो OIS इसका है ना, OIS में वीडियो इतनी स्टेबल नहीं आती OIS की वजह से, लेकिन EIS अगर आप इनेबल कर दोगे तो वीडियो आपकी काफ़ी स्टेबल हो जाती है। तो देख रहा हूँ मैं काफ़ी तेज चलते हुए मतलब वीडियो शूट कर रहा हूँ, 4K 30fps काफ़ी सही मिल रहा है। और वहीं पर बात करें अगर सेल्फी कैमरे तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। सेल्फी कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, जो कि होना चाहिए था। लेकिन सेल्फी कैमरे की अगर फोटोज की बात करें, ये फोटोज देखो आप, मतलब अलग अलग कंडीशन की। इवन ये फोटो डायरेक्ट फेस पे मेरे लाइट पड़ रही है, फेस पे बैलेंस करना, पीछे पत्तों को बैलेंस करना, सेल्फी फोटोज से आपको शिकायत नहीं होगी। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट में एक दो जो भी फोन होंगे उन्हीं की लिस्ट में आएगा ये। तो कैमरा और परफॉर्मेंस की लिस्ट में कहीं ना कहीं ये फोन अच्छा टारगेट कर रहा है इस बार। इस फोन की एक अलग सी हाइप दिख रही थी मुझे इंटरनेट पे, कहीं ना कहीं ये हाइप को डिजर्व करने वाला फोन दिख रहा है, जितना मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में यूज किया। एंड कहीं ना कहीं ये सबके लिए बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर बनने वाला है, वैसे बन भी चुका है, बट थोड़ा मैं और टेस्ट करूंगा, फर्स्ट इंप्रेशन है। कुछ ऐसा था इस फोन का मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा ये फोन कॉमेंट करके बताना। पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने वाला काम मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बस हो गया मेरा।